I am DJ Shazwood and I'm feeling very good when I watch the designs of Pankaj. He's a very talented guy and I assure you his designs actually are very simple and one thing which is I like is very stylish too. So I wish him a very good luck for on this big day and I want all you guys to watch his store and come and see his talent. Thank you. सर जी आज पंकज ने अपना लॉन्च किया है तो इनका आपने सारा चीज देखा है तो आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी हो रही है, ये अपने ही घर जैसा है, अपने ही लोग हैं और जब अपने ही लोग तरक्की करते हैं जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो बहुत खुशी होती है और कलेक्शन वाकई बहुत वंडरफुल है और मैं भी देखता हूँ इसमें अभी फिलहाल आई जस्ट एक्सप्लोर द ऑप्शंस यार एंड सी आपका फ्यूचर इसका फ्यूचर क्या लग रहा है आपके हिसाब से सोनी जी आइए ना फ्यूचर बहुत ब्राइट है जिनके पापा मानिक सोनी उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है थैंक यू आई कैन से वन वर्ड इज लाइक ऑसम एंड टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स रियली गुड एंड आई वॉन्ट टू रियली विश हिम ऑल द बेस्ट टू हिम पंकज इज डूइंग लॉट ऑफ वंडर्स एंड आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी फॉर हिम आपने अभी तक उनके कितने डिजाइनर ड्रेस यूज किए बहुत सारे सिंस फ्रॉम बैंगलोर वॉट एवर इवेंट आई एम टेकिंग फ्रॉम पंकज जोंगी ही इज अ बेस्ट बट राइट नाउ ही स्टार्टेड फॉर द लेडीज बट स्पेशली यूज टू डू इट फॉर मी अजय जी आप ऑलवेज अलग देश में होते दुनिया से हटके इसमें पंकज का कितना पंकज बहुत अच्छा दोस्त है मेरा और उसके पास औसम कलेक्शन है उसके पास ड्रेसिंग सेंस है और वो जो ड्रेस बनाता है औसम बनाता है कुछ हटके बनाता है तो मुझे भी अच्छा लगता है उसके ड्रेस पहनने को और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डिफरेंट हो मैं कॉमन मैन पसंद नहीं करता मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया से कुछ अलग होना चाहिए तो ऑल द बेस्ट फॉर पंकज आपने एक बार दो बार रिपीट किया है कि दुनिया में कुछ अलग होना चाहिए आपके बारे में भी कहते हैं कि किसी ने दुनिया भर का गोल्ड पहना हो तो नाम मत पूछना या तो बप्पी ले रहे होंगे या अजय होंगे तो आप इस आइडेंटिटी से कितने खुश हैं ये मेरी पर्सनल आइडेंटिटी है ना मैं पॉपुलरिटी को फॉलो करता हूँ मैं खुद अपने आप को फॉलो करता हूँ ना मैं किसी के इंस्पिरेशन लेता हूँ मुझे अच्छा लगता है कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए कुछ अलग पहनना चाहिए लेकिन आई लाइक पॉपुलरिटी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है पॉपुलरिटी लेकिन मैं किसी को फॉलो नहीं करता मेरी अपनी आइडेंटिटी है इस बात में मैं कहना चाहूँगा इनकी सच में अपनी आइडेंटिटी है बिकॉज मैं इनको जानता नहीं मैं पहली बार मिल रहा हूँ इनसे पर मैं अक्सर इनको लोखंड वाला मैं देखता हूँ और बिकॉज इनका ये लुक है इसलिए मैं इनको देखते ही मुझे रियलाइज होता है अरे अच्छा ये तो वो इंसान है जिनको मैं हर दिन देखता हूँ लोखंड वाला में सो यस ये आइडेंटिटी इनके लिए बहुत काम कर रही है बिकॉज लोग इनको पहचान लेते हैं उस आइडेंटिटी से थैंक यू सुनील शेट्टी जब पहली बार फिल्म में आए थे ये वॉज द प्रोड्यूसर एम आई राइट सर यस यस हाँ और उस टाइम पे आप प्रोड्यूसर थे और पूछने वाला भी था राजू भाई तो आज से नहीं बहुत पहले से आप तो वापस आने वालों में से हो तो डरा के अरे चले गए अच्छा चले गए इनको देख के लोग डर गए अचानक से रास्ते में दिखे बोले भूत आ गया क्या आपके बारे में भी कहा जाता है कि आप राम बहुत कम लगते हो और लव ज्यादा लगते हो ये आपका प्यार नहीं देख आपने राम का कैरेक्टर किया है तो उस राम के कैरेक्टर में आप कैसे जिए मैं तो हर जगह शोभित ही जिया हूँ लोगों ने राम समझा तो आपकी देखने में प्यार है जैसे आपने बोला ना लव तो वो आपके देखने में लव है मैं तो मतलब जैसा हूँ वैसा ही हूँ राम जी भी ऐसे मेरे हिसाब से जैसा मैं कर रहा हूँ मैंने भगवान को नहीं देखा आप अगर अंदर से अच्छे हो तो लोगों को अच्छा ही लगेगा भगवान अच्छा ही मानता है हर कोई इसीलिए आज दो यंग जनरेशन के दो बच्चे आपके सामने खड़े हैं वैसे आप भी कोई ललिता पवार के नहीं हो रिपीट किया मैंने कि आप भी माने कि नहीं हो आज के जनरेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ये ड्रेसेस के मामले में उन्हें कैसे कपड़े पहनने चाहिए या बिकॉज आई थिंक इट्स ऑलवेज यू शुड गो विद द events it depends on the events like how you should carry it off and I feel he's got the best dress sense Naman and Shobhit so that's the thing I feel they are the best dressed mans ever that I'm standing next to them so I should feel blessed you know dono ke naam mein ek kapda Shobhit hai aur pehenta hai to Naman ho jata oh that's lovely very nice thank you everybody yeah. thank you thank you still and फॉर आस क्योंकि क्या है ना कि अगर सब कुछ एक जगह पे मिले तो इट्स बेटर फॉर आई थिंक एनी गाय कि जिस
इसको यू नो वेस्टर्न और इंडो वेस्टर्न व्हाटएवर एंड शूज एंड द एक्सेसरीज एंड द मैचिंग यू नो टाइम लाइक यू गेट एवरीथिंग एट वन प्लेस टू द लास्ट डिटेल ऑफ क्या कभी इनके कोई डिजाइनर सूट यूज किए इससे पहले ऑफ कोर्स मैंने यूज किया मैंने बैंगलोर में पहना है इनका सूट इवेंट में मैंने बॉम्बे में पहना है बहुत बढ़िया बनाते हैं ये और आई विल डेफिनेटली रिकमेंड क्या मीडिया का आप अपना नाम बताएंगे माय नेम इज आनंद कपूर I'm Jay and still now I haven't got a chance but now I think after this I'll maybe you know wear some of his collections would love to so yeah thank you both of you sweet the good boy good big thing I like his message good big thing lots to come lots to do all the best to you कवल जी जहाँ तक मुझे याद है जब तुमने डिजाइनिंग शुरू की थी बरसों पहले और जो आज के जो टॉप की डिजाइनर है तुम्हारे यहाँ आके बैठ के आधा कप चाय पिया करते थे जैसे मनीष मल्होत्रा है एक शौकी है और आधा आधा कप चाय पी के तुमसे डिजाइनिंग सीखते थे और मुझे एक दिन वो भी याद है जब तुमने सुमित सहगल के लिए भी कार्यक्रम एक डिजाइन किए थे कोट राइट और उस टाइम पे मनीष मल्होत्रा ने क्रेडिट लिया था कि सारे मैंने ड्रेसेस किए थे वो गलत जो लेवल पे है वही लेवल आज इसको भी देना चाहोगे मैम आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में जानते नहीं 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 माय डियर मैंने कहा कि आज आप इस बारे में मेरे बच्चे के बारे में क्या कहना चाहेंगे पंकज के बारे में ये कि इसकी कलेक्शन बहुत कूल है आज के टाइम की आज के टाइम की ये जो भी डिज़ाइन करता है ये पहले सोच रहा था कि कौन से इंसान के साथ जज सकता है वो वैसे डिज़ाइन भेजता है तो और सबसे बेहतरीन बात इसकी है कि अगर दो दिन पहले उसको ज़्यादा होंगे पंकज के दो दिन के बाद ये पूछना है यहाँ जाना तो ये दो दिन भी मेरे लिए जो नया नया तरह का कुछ जो भी चाहिए होता है वो डिज़ाइन करता है तो मेरे लिए पंकज सबसे बेहतर पंकज क्या कहोगे सारे बड़े लोग हैं तो कुछ नहीं आज कभी छोटे नहीं रहे सबके सामने हम छोटे डेफिनेटली सर देयर इज लॉट टू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ दिस पीपल मैं हमेशा सबके साथ काम कर रहा हूँ स्पेशली प्रिंस भाई के लिए तो आई बीन वर्किंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम और मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करने में बट एकदम झटके झटके में फ़ोन करते यार पंकज मेरे को शाम में कुछ पहनना है फटाफट कुछ करवा दिया बट अब इनके लिए मना कर नहीं सकता तो करना पड़ेगा या आपको नाम के ही प्रिंस लगते हैं कि काम कराने में भी प्रिंस लगते हैं वेल ये खुद एक फ्रेंड से नो डाउट तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है अभी के लिए थैंक यू एक स्टिल हो जाए